सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर बिदासर के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। सुजानगढ़ जिला बनाओ जनहित संघर्ष मोर्चा बिदासर और व्यापार मंडल सहित सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों ने बंद का समर्थन किया। सभी ने सुजानगढ़ को जिला बनाने की आवाज बुलंद की है। एक सुर इस दौरान रैली निकाली गई। उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ये सुजानगढ़ का जो खोया हुआ गौरव है उसको प्राप्त करने के लिए पूरे सुजानगढ़ के जो विधानसभा के क्षेत्रवासी है सभी पार्टियों को साथ में लेकर जो जनसंघर्ष समिति है उसके माध्यम से सभी ने अपना ज्ञापन भी दिया है। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उससे पूर्व यहाँ पे मीटिंग भी हुई है। व्यापार मंडल के साथियों ने आज पूर्णतया बंद रख करके और हमारे जो एडवोकेट महोदय सभी अधिवक्ता हमारे सुजन के उन्होंने भी ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बंद का समर्थन किया है और हमारे निजी शिक्षण संस्थान के जो संस्थापक हैं उन्होंने भी आज पूर्णतया बंद रख करके और हमारे इस मांग में शामिल और सहयोग प्रदान किया है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद बिदासर और हमारा उपखंड एरिया है वो जाग चुका है। अब हमारा खोया हुआ अधिकार श्रीमान अशोक जी गहलोत को देना होगा। राजनीतिक और सामाजिक संगठन और व्यापार मंडल के भाइयों ने सभी ने मिलकर एक जो सुजला जिले जो बनाने की मांग है उसको समर्थन देकर पूरा बाजार बंद किया है और शिक्षण संस्थाएं भी बंद किया है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि सुजला जिला जो आगामी जो बजट है इसमें जरूर हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारी सुनवाई करेंगे। ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।